जय जिनेंद्र, मैं मोना बिरला आप सब की इस पावन सफर के साथ ही आप सबका महाजपुर YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए आज हम जानते हैं बृहत अभिधान राजेंद्र विश्वकोश के निर्माता अध्यात्म योगी प्रज्ञा महर्षि भविष्य दृष्टा तीर्थोद्धारक क्रियोद्धारक कलिकाल कल्पत्रु विश्व पूज्य योगिंद्राचार्य परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी मरासा की जीवनी के बारे में। संत जन विश्व वाटिका के सुवासित सुमन होते हैं, वे स्वयं जीवन की सुवास से सुवासित होते हैं एवं अपने इर्द गिर्द के वातावरण को भी सुरभित एवं सुवासित करते हैं। आज से 197 वर्ष पूर्व तप त्याग की वीर प्रसूता भक्ति और शक्ति की त्यागमयी बलिदानी धरती राजस्थान, जहां अनेक ऋषि मुनियों संतों ने अवतार लेकर अपने ज्ञान दर्शन चरित्र की सुवास से संपूर्ण विश्व को आलोकित किया, इसी प्रांत की धर्म धरा भरतपुर नगरी में श्रेष्ठ वर्य श्री ऋषभदास जी पारक के गृह मंदिर में माता केसर की कुक्षी से एक महान आत्मा ने पौष शुक्ला सप्तमी विक्रम संवत 1883 दिनांक 3 दिसंबर 1827 गुरुवार को जन्म लिया। मझलाकद भव्य ललाट, मुस्कुराते अधर विकसित नेत्र, शांत और तेजोद्दीप्त मुखमुद्रा, गंभीर वाणी, विनय विवेक नम्रता मर्यादा व शालीनता की मस्ती में मस्त जीवन, ऐसे इंद्रधनुषी अनुपम अनूठे अलौकिक व्यक्तित्व को परिजन रत्नराज के नाम से पुकारने लगे। रत्नराज अपने परिवार में उच्च संस्कारों एवं धार्मिक प्रवृत्तियों में रंगने लगे। बाल्यकाल से रत्नराज बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे, इसलिए 13 वर्ष की आयु में ही व्यवहारिक शिक्षा में कुशल हो गए। युवावस्था की दहली पर व्यापार हेतु बड़े भाई माणिकचंद के साथ सिलोन गए। वहां माता पिता की अकस्मात अस्वस्थता के समाचार सुन माता पिता की सेवा के लिए भरतपुर आ गए। माता पिता की सेवा करते करते एक दिन के अंतराल में 2 वज्रपात हुए और माता पिता महाप्रयाण कर गए। यह सब देख रत्नराज को इस संसार की असारता का ज्ञान हुआ और अपने बड़े भ्राता भाभी से आज्ञा प्राप्त कर यति दीक्षा राजस्थान के कश्मीर झीलों की नगरी उदयपुर में पिछोला झील की पाल पर ईस्वी सन 1847 विक्रम संवत 1904 वैशाख शुक्ला पंचमी को एक आम्र वृक्ष के नीचे पूज्य गुरुदेव श्री प्रमोद विजय जी मरासा से ग्रहण की, जहां आपको मुनि रत्न विजय जी के नाम से उद्घोषित किया गया। साथ ही इसी नगरी में आप श्री को बड़ी दीक्षा एवं पन्यांस पदवी विक्रम संवत 1909 वैशाख शुक्ला तृतीया को प्रदान की गई। आप श्री ने अपने गुरुदेव श्री से संस्कृत प्राकृत एवं आगम आदि अनेक शास्त्रों का गहन अध्ययन कर ज्ञानार्जन किया। आपकी श्री पूज्य पदवी आहोर नगर में विक्रम संवत 1923 को हुई। उन दिनों यति संतों में व्याप्त परिग्रहवाद एवं शिथिलाचार की आप श्री ने कटु आलोचना की। आपने ईस्वी सन 1869 विक्रम संवत 1925 में सभी परिग्रहों का सर्वथा त्याग कर जावरा नगरी में क्रियोद्धार कर विशुद्ध श्रमण जीवन ग्रहण किया। क्रियोद्धार करने के बाद आपने प्रथम चातुर्मास खाच रोध में ईस्वी सन 1869 में करते हुए जैनागमों का चिंतन मनन किया और सटीक स्वाध्याय किया एवं त्रिस्तुतिक सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। श्री राजेंद्र सूरी जी का अपरिग्रह महाव्रत उसमें भी सादगी का सह अस्तित्व स्वर्ण में सौरभ के समान था। आपने देश के एक छोर से दूसरे छोर तक अनेक प्रांतों की पावन धरा पर अपने चिन्ह अंकित करते हुए गांवों, शहरों और महानगरों में सभी वर्ग वर्ण के भक्तों को अपने कोकिल कंठी प्रवचनों से मंत्र मुक्त करते हुए ज्ञान का दान मुक्त हस्त से प्रदान किया। विश्व पूज्य ने अपने भरसक प्रयास से आहोर, जालोर, राजगढ़ और चिरोला आदि अनेक जगहों पर
संघ कलह जातिवाद की जड़ों को काटकर संघ समाज जाति में निर्भेदता, बंधुता, मैत्री प्रेम और वात्सल्य स्थापित किया। गुरुदेव श्री ने समाज की कुरीतियों, दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह, दुर्व्यसन आदि को समाप्त करने के लिए सचोट उपदेश दिए। परिणाम स्वरूप समाज में चेतना का संचार हुआ। विश्व विजय श्री की तप ध्यान साधना की बड़ी प्रगति थी। आप श्री ने मुख्य रूप से श्री स्वर्णगिरी जालोर, चामुंड वन और मांगीतुंगी गुफाओं को अपनी ध्यान स्थली बनाया। मांगीतुंगी पर्वत पर आपने आत्मोत्थान निमित्त 28 तप के साथ 72 दिन की अवधि में नवकार मंत्र के प्रथम पद के 125 करोड़ जाप किए। जालोर दुर्ग पर 8 महीने तक दुर्धर तप और ध्यान साधना की। चामुंड वन में प्राणघातक शेर, चीता, भालू आदि हिंसक जीवों के मध्य रहकर तप किया। विश्व पूज्य ने कोटा, श्रीतालनपुर, भांडवपुर, जालोर दुर्ग आदि जैन तीर्थों का तीर्थोद्धार किया एवं मालवा में ईस्वी सन 1884 में मार्ग शीर्ष सप्तमी के दिन श्री मोहन खेड़ा तीर्थ की स्थापना की। श्री भांडवपुर तीर्थ आपके द्वारा उद्धरित हुआ। साहित्य मनीषी श्री राजेंद्र सूरी जी की शब्दकोश परंपरा में बृहद अभिधान राजेंद्र कोश आप श्री की एक महान विशिष्ट यथार्थ और महान उपलब्धि है। यह जिनागम की अर्ध मागधी प्राकृत भाषा के शब्दों का अखूट खजाना है, जिसमें प्राकृत भाषा के 60,000 शब्द रूपी हीरे मोती भरे पड़े हैं। इस विश्वकोश से भारतीय एवं विदेशी विद्वान बहुमूल्य सिद्धांत रत्नों को निकाल ज्ञानार्जन कर रहे हैं। अभिधान राजेंद्र बृहद विश्वकोश के 7 भाग हैं, जिसमें 10,000 पृष्ठ हैं। आप श्री को इस विश्वकोश की रचना करने में 13 वर्ष 6 माह 3 दिन का समय लगा था। इस विश्वकोश का कुल भार 35 किलो है। आपने अभिधान राजेंद्र बृहद विश्वकोश के अलावा प्राकृत शब्दांबुदी, कल्पसूत्रार्थ प्रबोधनी, कल्पसूत्र बलवावबोध, गच्छाचार पयना विस्तृत विवेचन आदि महनीय 61 ग्रंथों की रचना की, जिनमें काव्य, भक्ति और संस्कृति की रसवंती धाराएं प्रवाहित हैं। इन कृतियों से देश विदेश के विद्वान ज्ञान अर्जित कर लाभान्वित हो रहे हैं। प्रज्ञा पुरुष, भविष्य वक्ता पूज्य दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सूरी जी ने अपने साधना काल में अपने तपोबल एवं योग साधना से अनेकों बार कई घटनाओं की पूर्व में ही भविष्यवाणियां कर उन्हें अक्षरशः सत्य एवं सार्थक होते हुए दिखा दिया। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी साधना एवं सरस्वती के इस अमर साधक ने अपने जीवन में उच्च कोटि की चारित्रिक साधना और साहित्य साधना की प्रदीप्त ज्योति जलाई। जो साहित्य का आदित्य, कलम का कलाधार, प्रज्ञा का पारिजात, चरित्र का चिंतामणि, समता का सुधाकर, कामना का कल्पत्रु, शब्दों का शिल्पी, मनीषा का मेरु और जन जन की आस्था का आलंबन है। वे कर्मयोगी थे जिनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में लोक मंगल का अमृत सदा प्रवाहमान था। वे संत महर्षि होते हुए भी राज ऋषि थे। राजा महाराजा श्रीमंत राजाधिकारी उनके चरण कमलों में झुकते थे। उनके पास मनुष्य रोते आते और हंसते हुए जाते थे। श्री राजेंद्र सूरी जी मरासा ने विक्रम संवत 1963 पौष शुक्ला सप्तमी को राजगढ़ में ओम अहम की अमर वाणी प्रशिक्षित प्रस्फुटित करते हुए इस संसार से महाप्रयाण किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ नगर के समीप श्री मोहन खेड़ा तीर्थ पर आपका समाधि मंदिर प्रतिष्ठित है, जहां प्रतिवर्ष पौष शुक्ला सप्तमी को विशाल मेला आयोजित होता है। श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी मरासा की पाठ परंपरा में चतुर्थ पट्टधर व्याख्यान वाचस्पति श्रीमद विजय यतेंद्र सुरेश्वर जी मरासा के सुशिष्य वर्तमान में परम पूज्य राष्ट्र संत युग प्रभावक आचार्य देव पुण्य सम्राट श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी मधुकर के पट्टधर द्वय गच्छाधिपति श्री नित्य सेन सुरेश्वर जी एवं भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य देवेश श्री जयरत्न सुरेश्वर जी महाराज जिन शासन के सजग प्रहरी बन आप श्री एवं गुरु गच्छ की कीर्ति में 4 चांद लगा रहे हैं।
कलिकाल कल्पत्रु प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्रीमद जय राजेंद्र सुरेश्वर जी मरासा के श्री चरणों में हृदय के अंतरतम प्रदेश से शत शत वंदन अभिनंदन। आप सबका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय जिनेंद्र।